नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्रद्धा वालकर हत्याकांड, एक के बाद एक खुलासे, एक के बाद एक खुलासे। इसी बीच दिन ब दिन नई जानकारियां सामने आ रही है और नए नए अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं। हम भी आपको कुछ वीडियो ऐसे दिखाना चाहेंगे। एक वीडियो है श्रद्धा वालकर के कॉलेज का। उस वीडियो में श्रद्धा एक कोई ड्रामा प्ले कर रही है और ऐसा उस ड्रामे को देखकर ऐसा लगता है कि वो हर धर्म संभाव, हर धर्म के प्रति समानता का भाव रखा जाए, इस तरह का कोई ड्रामा है जिसमें श्रद्धा पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये पुराना वीडियो है, लेकिन अभी श्रद्धा मर्डर कांड के बाद भी ये वीडियो सामने आया है। साथ ही साथ एक वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वीडियो है श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब द्वारा वसई खाड़ी में श्रद्धा का मोबाइल और कुछ उपकरण फेंक दिए जाने की जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और माणिकपुर पुलिस द्वारा वसई खाड़ी की तलाशी ली जा रही है ताकि वहां पर कुछ सबूत मिल जाए उसका। तो ये सर्च ऑपरेशन वसई खाड़ी में वसई माणिकपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही कर रहे हैं। अब ये सर्च ऑपरेशन कितना सफल होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि काफी पुरानी बात है, आज या कल इसको फेंका गया नहीं है। मोबाइल काफी दिनों पहले फेंका गया उस खाड़ी में, और खाड़ी इतनी व्यापक, इतनी बड़ी है कि कहां क्या चीज है उसको ढूंढना एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन फिर भी प्रशासन कोशिश में लगा है कि कुछ सुराग मिल जाए। तो हम आपको ये अपडेट दे रहे थे श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर, जो दो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं उसकी, एक श्रद्धा वालकर के कॉलेज के वीडियो की, तो दूसरे श्रद्धा वालकर केस से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने दिल्ली पुलिस और वसई माणिकपुर पुलिस एक साथ वसई के समुद्र में, वसई की खाड़ी में सर्च ऑपरेशन करते हुए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।